इंसान के कानों की तरह दिखता है, देखो सेम वैसे लग रहा है। जिसका कान टूटा होगा ना वो लगा सकता है इसको। इन्होंने पहाड़ों को, यही है वो लोग जिन्होंने पहाड़ों को गंदा कर रखा है, इनके लिए सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए इनके खिलाफ। जय श्री राम दोस्तों। तो कैसे हो आप सब लोग, आए हो आप सभी बहुत बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे। मैं आशीष रावत एकदम बढ़िया हूँ। तो दोस्तों आज है संडे और आज के व्लॉगिंग की जो शुरुआत हो रही है वो हो रही है 10:30 बजे से, क्योंकि मैं सुबह से मतलब बहुत काम होते हैं, गाय रखाना, पानी लाना, इधर उधर का काम। ये बकरी भी थी हमारी, एक बकरी बीमार भी हो रखी है तो थोड़ा उसको दवाई भी पिलाई मैंने। तो बताते हैं आपको कि आगे का व्लॉग कैसे होने वाला है, तब तक के लिए बने रहिए अपने भाई के अपने चैनल व्लॉगर आशीष रावत में। ये देखो हमारा एक बकरा, इसकी ना तबीयत खराब हो रखी है कल से, ये कुछ नहीं खा रहा है। ये देखो भाई, इस पे ना मक्खियाँ भी लग रखी है, इसको सुबह हमने दवाई पिलाई यार। ये देखो इसका पेट ना साफ नहीं हो रहा है, मतलब ये जुगाल ही नहीं कर रहा है। सबसे पहले आप लोग पहाड़ों का नज़ारा देखो भाई, A1 बादल लग रखे हैं एकदम यहाँ देखो। और जो मक्का की फसल होती है इस पे भी ऊपर से जांखें लग चुके हैं यहाँ देखो, और इन पे बाल भी आ चुके हैं थोड़े थोड़े। ये देखो छोटी छोटी मुंगरी भी लग रही है। बोले हमारा लोगट बीमार हो रखा है, इसके लिए दवाई ढूंढो। ये हमारा बकरा बीमार हो रखा है, कितना इलाज दवाई दे दी हमने पर ठीक नहीं हो रहा है, क्या इलाज होगा इसका? तो इसका इलाज अभी नहीं मिल पाया हमको, मतलब हम अभी असफल हैं इसको ठीक करने में। क्यों क्यों? तो दवाई नहीं मिली है अपन। क्यों नहीं मिली दवाई? अजवाइन पिले ली, कल जुड़ी ली, हल्दी दूध दे दी ली, हल्दी कच हल्दी गुड़ सब पिले ली, तो पता भी ठीक नहीं हुई। जुगाड़ नहीं लेने सब पर ना क्या दवाई सुनी को नहीं हो? हाँ पोटी सुसु नहीं करना चाहिए निको तो। तो यहाँ पे दोस्तों एक प्रकार की मशरूम हो रखी है जिसको गढ़वाली में बोला जाता है कंदूड़े चूं, जिसकी सब्जी मतलब मैंने सुना है कि बहुत टेस्टी होती है, लेकिन अभी इसको निकाल लेंगे नहीं क्योंकि ये सड़ चुका है पूरा। यहाँ देखो भाई, मेरी दादी ने सोचा था कि इसको निकालेंगे, ये बड़ा होने का इंतज़ार किया लेकिन ये सड़ गया। तो इसका देखो एक तोड़ के दिखाता हूँ आपको, ये देखो इसका नाम कंदूड़ा, इसीलिए ये इंसान के कानों की तरह दिखता है, देखो सेम वैसे लग रहा है। जिसका कान टूटा होगा ना वो लगा सकता है इसको। दोस्तों यार बारिश के मौसम में ना थोड़ी ठंडी पड़ रखी है, जिस कारण मैंने थोड़ा ट्राउज़र पहन लिया है। और ये है हमारे गांव का चौक जहां से मैं अभी वीडियो शूट कर रहा हूं। तो आज का मौसम जो हो रखा है काफ़ी अच्छा हो रखा है। अगर लाइट सुबह से मतलब 8 बजे तक रहती, क्योंकि सडनली लाइट चली गई थी तो मैं व्लॉग नहीं बना पाया। तो अभी देखिए भाई, अभी तो जारी रहेगी वीडियो। यहाँ देखो भाई, ये मिर्च ये लग रहे हैं ना अच्छे, एकदम लाइन से लगा रखे, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। देखो दोस्तों ये है हमारा घर, इसमें मेरे दादा का नाम आपको दिख रहा होगा। और यहाँ पे मुंगरी के खेत, सभी लोगों के पूरी मुंगरी की फसल बूत रखी है पूरे गांव में, और कोटा छा रखा है। और अभी हम 4-5 बंदे जा रहे हैं पानी गदन घूमने के लिए। व्यू देखो दोस्तों, एक नंबर व्यू आ रहा है आज, क्योंकि बादल से मतलब पहाड़ जो गिरे हुए हैं वो एकदम इतने प्यारे महसूस हो रहे हैं कि एकदम दिल गार्डन गार्डन हो रहा है इन व्यू को देखकर। और चिड़ियों की चहचहाट भी सुनाई दे रही होगी आपको भी। और अभी हम जा रहे हैं पानी गदेरे घूमने के लिए, 5 बंदे तो चलते हैं। और ये आ चुके हैं हम पानी गदेरे के मंदिर के ठीक सामने, और मेरे साथ है पारी भाई। पार आज पौने गए तो क्यों है? हर हर महाकाल। अभी
और यहाँ पे हमारे अनु भाई आ रखे हैं पौड़ी से, जो अभी घूमने आ रखे हैं हमारे साथ पानी के कदरे, और पानी पी रहे हैं यहाँ पे। और धारा काफ़ी बढ़ चुका है बारिश होने के बाद, काफ़ी अच्छा पानी आ रहा है यहाँ पे, मोटा हो चुका है पानी। इन्होंने पहाड़ों को, यही है वो लोग जिन्होंने पहाड़ों को गंदा कर रखा है, इनके लिए सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए इनके खिलाफ। तो दोस्तों हम आ चुके हैं पानी गदेरे से घूम के, और हमने वहाँ का पानी भी लाया है, वो ले जा रहे हैं लोग आगे पानी। दोस्तों अभी बच चुके हैं 2, तो 2 बजे सभी का खाने का टाइम होता है और हमारा भी खाने का टाइम है। तो मैं थोड़े बिजी था, मैंने ये देखो ये भाई अपनी ड्रेस धोई दी। तो दोस्तों आज का जो मौसम हो रखा है एकदम बढ़िया हो रखा है, सुबह तो मतलब बारिश नहीं हो रही थी और अब जैसे ही 1:30 बजे तो बारिश स्टार्ट हो गई, और व्यू कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है भाई, क्लैरिटी एकदम क्लियर व्यू आ रहा है आज, क्योंकि बारिश के कारण सब कुछ धुल चुका है, एकदम हरियाली आ रखी है गाँव में। यहाँ देखो भाई एवन, और खाना जब पक गया है तो अब खा लेते हैं, तो अभी खाइए, तब तक के लिए बनी रहिए वीडियो में। तो दोस्तों खाना हो चुका है पक्के रेडी, और अब खाते हैं भाई खाना, क्योंकि बहुत लेट हो चुकी है। मैंने थोड़े कपड़े भी धुले तो लेट हो गई थी, तो बताते हैं आपको आज क्या बन रखा है साग। यहाँ देखो भाई आज बन रखा है मेरा राजमा चावल, तो ये बताता हूँ मैं आपको कौन सी दाल है। तो जो आज हमने दाल बनाई है ये है अपने घर में उगाए हुए राजमा की दाल, मतलब ये दाल आपको कहीं भी ढूंढोगे, किसी भी मार्केट में चल रहा ये वाली दाल नहीं मिलेगी, क्योंकि ये घर में उगाई हुई बिना किसी मिलावट के एकदम शुद्ध एवं पौष्टिक दाल है। तो ये बहुत ही रेयर चीज़ है, क्योंकि उत्तराखंड की जो फसल होती है मतलब एकदम प्योर और प्राकृतिक, इसमें कोई मिलावट नहीं होती है, क्योंकि अपने घर की चीज़ होती है, तो उसमें उगाने में उसका इंतज़ार करने में कि कब होगी, फिर उसको तोड़ना, फिर उसको सुखाना, ये वो सो, तो उसके बाद होती है दाल प्राप्त। तो इसको खाने में अलग ही मज़ा है, तो इन्जॉय लेता हूँ मैं, और आप भी लीजिए मेरे साथ। दोस्तों जस्ट मैंने खाना खाया और उसके बाद लग चुकी है भाई बारिश, मोटा तोड़ लग गया। अब देखो बारिश, खतरनाक बारिश लग रही है, यहाँ देखो भाई सब कुछ गीला। तो अभी मैं हूँ कुछ ऐसे प्लेस में, एक प्लेस क्या, यहाँ तो छतरी के नीचे ही हूँ मैं, और ये है गांव का रास्ता। यहाँ देखो भाई पूरी बारिश लग चुकी है, दोस्तों जो ये वाली बारिश हो रही है इस बारिश को बोलते हैं सोना मैना बरखा। ये बारिश जो होती है तो बहुत ही अच्छी होती है, ये मुंगरी की फसल यानी मक्के की फसल के लिए बहुत ही अच्छी होती है। इससे मक्के का जो पेड़ होता है वो लगभग 1.5 से 2 फुट ऊपर बढ़ जाता है, तो ये बहुत ही हेल्पफुल होती है अनाज के लिए वाली बारिश। तो देख सकते हैं आप लोग, और खेत दिखाते हैं आपको, पूरी पूरा गांव में जितने भी मतलब गाँव के बीच जितने भी खेत हो रखे हैं सब ने लगा रखे हैं बाजरा यानी मक्का उर्फ मुंगरी। पूरे जो हरियाली दिख रही है आपको ये सारे मक्के के ही खेत हैं। तो दोस्तों यार अब लग चुकी है बारिश, और अब थोड़ी मुश्किल होगी वीडियो बनाने में, और उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, क्योंकि बारिश आ गई है ना, और लाइट भी जाने चली गई शायद, हाँ चली गई। तो उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी हो जो अपनी व्हाट्सअप फैमिली के साथ शेयर जरूर कर देना, और चैनल में नए आए हो तो सब्सक्राइब कर देना और लाइक करके तो पक्का जाना, और मिलते रहेंगे ऐसे बड़े बड़े इंटरेस्टिंग वीडियोज़ में, तब तक के लिए बाय।